हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे कम चीज़ों से बहुत ही आसानी से एकदम झटपट से बनने वाला नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 आलू लिया है। आलू उबला हुआ है, इसे मैंने छील लिया है और इसका साइज आप देख सकते हैं, ना ही तो छोटा है और ना ही बड़ा है, ये मीडियम साइज का आलू है। इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 9 से 10 चम्मच कॉर्नफ्लोर। एक चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे हम आटा का डो लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका डो हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले ही हम इसे मिलाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे मिला लिया है, ये डो की तरह तैयार है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, हाथ को हम चिकना कर लेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और इसे हम टिक्की की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे इसी तरह से रख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे स्क्वायर शेप में। आप चाहे तो राउंड भी रख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर फोर्क की मदद से इस तरीके से डिजाइन बना देंगे, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे प्लेट को भी मैंने तेल लगाकर चिकना कर लिया है, इसमें हम रख देंगे। इसी तरीके से सभी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है और तेल अब गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें हम एक एक करके ये डाल देंगे। एक बार में जितना कि पैन में आ सके उतना हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे। तुरंत हम इसे नहीं पलटेंगे, जब लगे कि ये एक तरफ से थोड़ा सिक गया है तब हम इसे पलट देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसी तरीके से पलटते हुए हम इसे गोल्डन होने देंगे। तो ये देखिए, अब ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए ये गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं उसे भी हम फ्राई करके इसी तरह से निकाल लेंगे। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है, ये कम चीजों में कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।